हे गाइस, दिस इज जितेंद्र, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक ऐसे एडवांस एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। एंड इस वीडियो के थ्रू उस एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि फ्यूल कंजप्शन कितना है एंड कितना हाइट है, कितनी पैसेंजर कैपेसिटी, सब कुछ इस डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जिस एयरक्राफ्ट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उस एयरक्राफ्ट का नाम है फ्लाइंग वी जेट। फ्लाइंग वी जेट जो एयरक्राफ्ट है उसका अभी तक स्केल मॉडल रेडी हुआ है। स्केल मॉडल नीदरलैंड के एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है डेल्फ टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां पे इसका स्केल मॉडल रेडी हुआ है। एंड स्केल मॉडल में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो KLM एयरलाइंस, जो कि नीदरलैंड का एक फ्लैग कैरियर एयरलाइंस है, जिसने कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया इन स्टूडेंट्स को एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में एयरक्राफ्ट सभी एयरलाइंस के पास अवेलेबल हो। एंड इसका फाइनेंशियल सपोर्ट जो था वो एयरबस ग्रुप ने भी इसके ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इसका स्केल मॉडल रेडी हुआ। एंड ये स्केल मॉडल आप स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं। दोस्तों, इनिशियल में जब ये स्केल मॉडल बनाया गया स्टूडेंट के द्वारा, तो सबसे पहले इस स्केल मॉडल को रेडियो लिंक के द्वारा कंट्रोल किया गया था। इसमें 24 किलोवाट इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड डक्टेड फैन इंजन यूज किया गया था। इस इंजन को ऑपरेट करने के लिए लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज किया गया था, जो कि ये जो बैटरी है बहुत पावरफुल बैटरीज हैं, जो कि इस इंजन को ऑपरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। एंड इस स्केल मॉडल के थ्रू इस एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ, टर्न्स, लैंडिंग, अप्रोच, हर चीज़ चेक किया गया, जिसमें कि इस स्केल मॉडल में कोई भी कमी नहीं हुई। ये एक स्केल मॉडल है दोस्तों, जो अभी आपने देखा ये एक स्केल मॉडल था। इस स्केल मॉडल के थ्रू ही एक नया एयरक्राफ्ट रेडी किया जा रहा है, जो कि 4 या 5 साल के अंदर काफ़ी एयरलाइंस के पास भी जो एयरक्राफ्ट है वो होगा एंड वो ऑपरेट करेंगे, इनके फ्लीट में शामिल करेंगे। हो सकता है कि इंडिया में भी ये हो सकता है, अगर अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट रहा गवर्नमेंट का, काफ़ी एयरलाइंस के पास पैसेज हैं तो ये भी एयरक्राफ्ट को हायर कर सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी पैसेंजर ट्रेवल करेंगे। तो चलो दोस्तों, मैं जो रियल एयरक्राफ्ट है उसके बारे में कुछ आपको डिटेल से बताना चाहता हूँ कि उसकी हाइट कितनी है, फ्यूल कंजप्शन कितना है। दोस्तों, अगर फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो इसका जो शेप है ऐसा बनाया गया है कि इसमें फ्यूल कंजप्शन कम होगा, मींस 20% कम फ्यूल होगा एज कम्पेयर टू एयरबस 350, जो कि एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। इसका नाम फ्लाइंग वी इसलिए है बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है, जिसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो वी शेप का है। एंड इसके जो एयरक्राफ्ट के पैसेंजर की कैबिन है एंड फ्यूल टैंक, ये दोनों भी विंग में अटैच किया गया है। मीन्स वो इसमें विंग्स नहीं है, विंग्स में ही जो फ्यूल टैंक है एंड जो कार्गो है, पैसेंजर है, सबको विंग में ही ऐड किया गया है। एंड इस एयरक्राफ्ट की अगर लेंथ की बात करते हैं तो इस एयरक्राफ्ट की लेंथ है 55 मीटर लेंथ है, मीन्स नोज टू टेल तक इसकी लेंथ 55 मीटर है। एंड जो इसका विंग स्पैन, मतलब लेफ्ट विंग टिप टू राइट विंग टिप, इसका जो लेंथ है वो 65 मीटर तक है। एंड जो इसकी लेंथ है, लेंथ की बात करते हैं तो 17 मीटर इसका लेंथ है, मीन 17 मीटर। अगर पैसेंजर कैपेसिटी की आप बात करते हैं तो इसकी पैसेंजर कैपेसिटी जो है 314 है, जिसमें कि इकोनॉमी बिजनेस क्लास काफ़ी ऐड है। एंड जो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है उसकी 1,40,000 लीटर इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी, आप समझ सकते हो कि कितना लॉन्ग रूट तक फ्लाई कर सकता है इतनी फ्यूल कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट। एंड इसकी कार्गो की बात करें तो 160 क्यूबिक मीटर तक इसमें आप कार्गो लोड कर सकते हो। अगर इस एयरक्राफ्ट में इतना कुछ दे रहा है, मीन्स ये एयरक्राफ्ट फ्यूचर में काफी एयरलाइंस के पास भी आ सकता है। अगर हम बात करते हैं कैबिन कॉन्फ़िगरेशन की, तो दोस्तों जो इस एयरक्राफ्ट का कैबिन बनाया गया है, कैबिन बहुत ही खास है। इस कैबिन का जो पैसेंजर कैपेसिटी है इसमें 314 पैसेंजर कैपेसिटी है, जिसमें कि बिजनेस क्लास 48 है एंड इकोनॉमी क्लास की बात करते तो वो 266 इकोनॉमी क्लास है। एंड जो फ्लाइट अटेंडेंस हैं, सीटें हैं वो 8 हैं, फ्लाइट अटेंडेंट सीट 8 हैं, 12 गैली है, लेबोरेटरी इसमें है जितने भी हैं लैब है 9 है। एंड जो स्टोरेज है, मीन्स कार्गो रखने का जगह है, वो 1 है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फ्लाइंग वी जेट एयरक्राफ्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।